अभी ठंडा कर रही है, दम लगाना है इसको। सारा बेड़ा गर्क हो गया, खत्म कर दो, बर्बाद हो गए। अम्मी ने चार पाइयां उठाना शुरू कर दिया है, अंदर डालने वाली हैं, और समीरा को भी अंदर बिठाएंगी जैसा कि रोज की रूटीन होती है। ये चार पाइयां भी अंदर ही डालेंगी, बाहर नहीं रहेंगी। अंदर जाओ कि डालेंगे नहीं तो बाहर खड़ी कर देंगे। हाँ जी, दूसरों की चार पाइयां जो डाली हुई है वो दूसरों को दे दो। हाँ, और मेहमान चले गए और वापस करेंगे, फिर अपने जगह बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, माशाल्लाह। हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते माशाल्लाह, हंसते मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते माशाल्लाह, हंसते मुस्कुराते। बात नहीं कर रही सही नहीं यार, फिर से हंसते मुस्कुराते थे, फिर आगे चले। अब उससे क्या आगे कुछ नहीं बनना, अगर भूल चाहे बना ना, नहीं पूरी तो बात करो, वही जो कह रहे थे वही फिर दोबारा तो नहीं, इसलिए मैं रोज नहीं आती ना ऐसे बात में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हाँ आराम से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कहना हंसते रहे मुस्कुराते रहे। जल्दी जल्दी तो कहती है आप, लेकिन आपको आता नहीं है। हंसते रहे मुस्कुराते रहे मेरी बेगम की तरह, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हो गया हो गया। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अल्लाह पाक सबके घरों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दुआ भी देनी चाहिए, दुआ भी देती हूँ। सबसे पहले सलाम और दुआ होती है, दुआ के लिए भी करती हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा ना सलाम को बढ़ाने लगी तो और भूल। ये बाइक को मारोगी, देख ले 3 लाख का नुकसान करने वाली। नुकसान अभी होने वाला था, नुकसान से बच गए, इतने बड़े नुकसान से बच गए। चलो अब जाओ। हाँ जी, जितने मर रही थे मैंने खड़ी की थी, उधर खड़ी करते ना, आपको नहीं पता। सुबह इधर ही, सुबह से खड़ी है, अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अब पता नहीं क्या हो गया है। रकिया जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। चावल पक गए हैं? मैं समझा आपने खा लिया होगा, आप तो ढीले रह गए, अभी तक आपने चावल नहीं खाए, पता नहीं क्या हो गया आपको। हाँ लिवाया था, लिवाया था दूध, पिलाया था। वो जो कहते हैं लिवा रहे हैं, वो रो रहे हैं अभी तक। उनको लिवा लिया। और इधर जो है माशाल्लाह, अब जो है हमने पिछली सोबिया फरमान फैमिली में जो वीडियो डाली है ना, वो अधूरे दिखाए थे चावल, इस वीडियो में मुकम्मल दिखाएंगे। हाँ जी, क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, ये चास बना रहे हैं। और पूछा गया है कि घी कितना डालना है, हमें आपसे पूछा गया है। 1 किलो चावल है, घी कितना आएगा? 10 किलो में 2 किलो डाला जाता है। हाँ, अभी मुझे ज्यादा आधा किलो डालेंगे 1 किलो में, ये ज्यादा हमें कह रही हैं। आधा किलो, 2.5 किलो में पाओ, 1.25 किलो में आधा पाओ, आधा पाओ घी आएगा इसमें। पाओ तो ज्यादा है, ज्यादा पता ही, फिर चावलों में घी ज्यादा हो जाता है, फिर सारा हाथों पे घी लगता है। हाँ, घी ये अलग रहता है, बस सिर्फ चावलों को थोड़ा मीठा कर देते हैं घी और चीनी। माशाल्लाह, तो अभी ये चास बन रही है और उसके बाद चावल डले जाएंगे इसमें, और निकालो, और निकालो। हाँ, अब काफी है, ये ज्यादा घी जो है ना, या बीमार का होता है। फिर भी मुझे लग रहा है ज्यादा। पानी डालो, पानी डाल दो, थोड़ा सा डाल। कामरान साहब, आपकी बड़ी फरमाइश पूरी हो गई। और डालो, नहीं पानी बच जाएगा। नहीं, हाँ बढ़ जाता है। हाँ हाँ, फिर चीनी डालो, दो मुला मुर्गी हराम हो जाएगी। नहीं हो जाएगी हराम, फोन हराम होने नहीं देते। अब इस मौके पर तो पहुंच गए इस मकाम तक। ये मीठा कक्को होगा, किसमें डालना है? आधा किलो,
आधा किलो चीनी डाल चुकी है, एक लप हाँ बस करो काफी है। तेरा पप्पा पक रहा है क्या है? ये बोलते हैं मुझे नजला है, धुएं तो बैठियो, धुएं पे ना बैठो ना, नजला है तो इधर आ जाओ, आंखों में पानी है आपके, रो रही हो, किस की याद आई है? काम आया थे चलो उसको डा नहीं अंदा उसको कमरान साहब बकरियां राजा के आए हो जा, भूखी खड़ी है, भूखी है यार, आप जाया करो, आप राजा के आते हैं आपको तरीका है, बकरा छोड़ दे पक्की बके। अच्छा हाँ ये खुद उनको खिलाता रहता है ना, बोलते हैं सब जो बड़े जानवर हो बस। हाँ जी बड़े आप बहुत हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ना ढूंढे दे ढूंढे मुनीब तो रोज बता रहा होता है फला जगह गाय खड़ी है वो मिलती है हिस्से पे ले आओ, लेकिन सारी हिस्से पे ले लेके ना पता नहीं हो जाने बढ़ जाएगी ना एक दिन माशाल्लाह देखे इतना अपनी बन जाएगी। हाँ हाँ बनेगी तो फिर पता चलेगा ना क्या खड़ा रहा बंदा। अच्छा चास बन गई? नहीं बन रही, अभी चीनी पिघल रही है। हाँ जी घी में चीनी जब मिक्स हो जाए तो पानी भी सूख जाए। हाँ सिर्फ घी बच्चे तो चावल डाल दो ठीक है, घाटी घाटी बन जाए ना। ये माशाल्लाह ये देखें चावल भी डाले जा रहे हैं, चास बन गई थी। हाँ जी अच्छा अभी देखें उस तरफ घी बच गया, मैं उधर गई पे मैंने पूछा नहीं अभी पानी तो भैया ने कहा अभी पिघली नहीं है चीनी इसलिए मैंने कहा अब सारे मिक्स कर दो ऐसे देते और चीनी तले चंबे गई पानी खोद मोद दिया आपने खोद थोड़ा थकवाया था नहीं तुम ढेर ढेर इतना नहीं बताना हाँ ऐसा करना खुद उतार देना। अच्छा उतार दें बस आप ही उतार दो फिर मिक्स करो पानी खुद खत्म हो गया मैंने कहा है कि ये देखिए ये भोरे वाला था ना ये चीनी जो बच गई वैसे हाँ हाँ यानी कि वही काम होने वाला था आपने जैसे कहा है ते दो मुला मुर्गी हराम वही काम हो गया ना अभी मैं कहा ना हराम नहीं होने दूंगी। हाँ जी वो बोला भी था पानी कम है अब चीनी चट्टे का क्या चीनी वही थी पंखड़ी क्यों नहीं अब देखे बुजी मैं कहता भी रहा हूँ थोड़ा पानी डाले अभी ठंडा कर रही है दम लगाना है इसको दम लगाएंगे तो इसमें मिक्स होगा सारा बेड़ा गर्क हो गया खत्म कर दो बर्बाद हो गए सारा काम उल्टा हो गया इसलिए आपको साथ में रहना चाहिए था ये चावल नरम होंगे हाँ आपको साथ रहना चाहिए था ना इसलिए कोई बात नहीं ठीक है ठीक है चलो चलो दम लगाओ अब दम लगा गरम करके फिर दम लगाओ हाँ मीठा भी चेक कर लो उत्ते फिर चढ़ा दो खराब होने से बचा लिया मैंने देख लिया पहले खामोश हो जाए मैं तो सुनेंगे ये चीनी वैसे की वैसी रखी है देख ले चमचे के ऊपर हाँ यही तो कह रही थी सोबिया के अभी पिघली नहीं है अभी चीनी पिघली नहीं है चीनी पिघल नहीं रही है वो भोरे बन रहे इसने बोला नहीं नहीं पानी सूखने दो लगा दो आग कोई मसला नहीं है लगा दो लगा दो अब खराब हो गए नहीं
हाँ खा रही है, बताती नहीं है, खाए जा रही है। चीनी विच क्रच क्रच करती है। जो बच्ची हुई वैसे तो चीनी तो अभी पिघल जाएगी, फिर से चला गरम हो गया ना। हाँ मीठे हैं वैसे, मजे के हैं। मिर्चियाँ ज्यादा तो नहीं, मिर्चियाँ ज्यादा तो नहीं डाली, नमक ज्यादा है, बच्चे नहीं हैं। वैसे मजे के हैं, वैसे टेस्टी हैं। चलो ये ना बचा लिया ना, टाइम पे अम्मी आ गई, वरना खत्म हो जाता सब कुछ। कुछ नहीं होता, फिर पानी डाल दे दे, और पानी डाल देते, चावल ना डालते, थोड़ा पानी डाल देते तो सारा कुछ। फिर वही होता जो हमारे साथ हुआ था, किसी ने बताया ही नहीं। फिर वही होता जो हमारे साथ लाहौर में हुआ था, जो बनाया था उसी तरह मुझे बनाना आता, लेकिन इस तरह मैंने कभी नहीं बनाया, आज बनाया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे सीख जाऊंगी, नहीं सीख जाऊंगी। हाँ इंसान ना सीखने के लिए कोई ना कोई अमल। चलो आप भी चेक कर ले, हमें भी जाग करवाओ, अभी खत्म हो गया। यहाँ से थोड़े पाँव दम नहीं, दम नहीं। अल्लाह के बंदे दम नहीं खोलते, लगा हुआ। मुझे उठा दो माचिस, चावल पक रहे हैं ना, ऊपर कोई वजन दे दो। हाँ ऊपर बकरा रख दो, बकरा अभी उतारने हैं, ज्यादा देर नहीं। कौन माचिस का लिए है? चावल हा, वो दाढ़ी भी चावल खा रही थी, तो फिर क्या हुआ? अब तो लगाओ, मैंने अब चूल्हा छोड़ दिया, जान छोड़ दी चूल्हे की, वो माचिस लेने के लिए। अच्छा अच्छा चलो, पेड़े भी बन रहे हैं। रोटी पका रही हो? अच्छा पकाओ पकाओ, भूख लगी है। और अब माशाल्लाह रोटी पकाना शुरू कर दिया है सोबिया और जारा और रिजवाना ने, तीनों की डिप्टी है रोजाना की रोटी पकाने की, और इस्तेहाना की डिप्टी है उधर बैठने की। पहले इधर आंधी पक रही थी तो इधर बैठी थी, अब उधर पहुंच गई है। केत दी बरात है सोबिया? हाँ जी, केत दी बरात आंधी पिया? नहीं मैं इधर से आ रहा हूँ, आप बोलो। मैंने कहा नानी अम्मा का, वो इसने बोला रिजवाना ने कि वो खाला शमीम के घर में रहेगी। मैंने कहा नहीं, वो अबू के घर में जाएगी, फिर सुबह सुबह ना हाँ। अम्मी के घर से वो निकाह वाले घर में चली जाएगी, हाँ। निकाह वाले घर जाएगी तो इसीलिए। क्या हो रहा है आपके फोन में? बाल है, बाल दुल्हन बने हुए हो? वाह मुनीब, इफेक्ट लाभ किया दुल्हन वाला? नहीं वो ना बड़े बड़े बाल है। अच्छा मेरी तरफ किया तो मेरे भी बड़े आपके भी बड़े बाल हो गए। हाँ जी अच्छा अच्छा, तो अभी हमने रोटी पकाना स्टार्ट कर दिया है, तो रोटी भी टाइम से बन जाएगी और हमारा हलवा भी जर्दा भी टाइम से बन गया है। हाँ हलवा जर्दा जो भी इंशाल्लाह, फिर साग बनाएंगे, साग बना के साग को देते जाएंगे, जर्दा भी और रोटी भी। हाँ जिसका दिल करेगा रोटी खाने को रोटी खा लेगा, जिसका दिल करेगा जर्दा खाने को जर्दा खा लेगा। नहीं वो साग को अम्मी ने कहा था एक एक चम्मच आएगा। हाँ जी एक एक चम्मच दे देंगे। सेब को क्या बनाया हुआ है? ये वाला मोटा, ये अपने अपने तरफ करो फिर मैं देखूं। ये तो टोपी वाला बन गया मुनीर, मोटा मोटा भी हो जाता है। मोटा भी वो देखो, मोटा दुगला दुगला, मोटा दुगला। अम्मी ने दूध भी निकाल लिया, एक ही गाय का दूध होता है। हाँ निकाल लिया दूध। हाँ नहीं इतनी जल्दी आप निकालती हैं दूध? हाँ। अच्छा अभी ना वो उंदा निकाला है, थोड़ा सा होता है। अच्छा एक गिलास होता है वो लाल वाली। हाँ अच्छा अच्छा, वो निकाला है अभी, ये भी का निकालना है। तो एक एक साथ निकाल लो? नहीं वो पानी डालना होता है, साफ करने होते हैं वो, बे ऐसा तो नहीं जो। हाँ थनों को साफ करना होता है। थन साफ करने होते हैं, ये रखूंगी फिर पानी डालूंगी। ठीक है फिर बाद में। माशाल्लाह रोटी भी पक चुकी है और अभी साग को तड़का लगाया जा रहा है, शाम भी हो रही है, ये देखे कैसा मौसम है। और अबू जी इधर आप बैठे हुए हैं, पहले तो उधर कुर्सी पर बैठे थे, आप चार पाई पे आ गए हैं। हाँ जी अब ठंड हो गई है, अब अंदर जाना चाहिए। हो गई है तो चादर भी लपेट ली है।
फिर बिस्तरा भी आ जाए। हाँ जी सही है, बचना चाहिए ना ठंड से। रोटी छोटी खाएंगे फिर अंदर जाएंगे। हाँ जी अंदर जाके खाएंगे। पहले मेरा इरादा था कि बाहर बैठ के रोटी खा लेंगे, लेकिन अब जो अंदर ही सही रहेगा। अब जो ठंड पड़ रही है ना, मेरी रोटी तो आ गई। वाह वाह रकिया जिंदाबाद, बना लिए हैं। हाँ जी रकिया रोटी लेकर आ गई। वाह रकिया माशाल्लाह पक गई रोटी। अच्छा जर्दा बनाया हुआ था आपने? जर्दा भी बना हुआ है, साग भी है। साग रोटी भी कुछ खाएंगे ना। अच्छा। क्योंकि जर्दा थोड़ा सा मीठा करने के लिए बनाया है। चलो सही है जी। आपने खा लिया? नहीं नहीं अभी, मैं मुझे तो खुद नहीं पता था कि अभी आपको देने आएंगे। चलो जिसने खाना है आ जाए। साग बेहतरीन बना हुआ है माशाल्लाह। हाँ जी धनिया भी डाला है, तड़का भी लगाया है, बेहतरीन है। हाँ फेवरेट है। वो एक सिस्टर है, पता नहीं भाई है, अक्सर उनके कमेंट्स आते रहते हैं मेरे लिए साग रखना। मैं आऊंगी आ जाए साग बहुत। जहाँ से भी लाना पड़े साग तो खिलाएंगे। मैंने कहा आप आए तो सही, साग बहुत, साग आप लोगों के लिए रखा हुआ है। हाँ जी इंशाल्लाह आ जाएंगे तो आप खाए। और अम्मी जान अभी भी जानवरों की खिदमत में वो ले जा रही हैं ये वाली मैल। आखिरी दफा और मैल डाल रही हूँ बस, और छुट्टी आखिरी दफा है ना। हाँ। फिर तो नहीं डालने आओगी? नहीं नहीं फिर सुबह डालेंगे। अच्छा अच्छा नहीं सब जानवरों को डाल दिया? हाँ, एक साथ सबको डाल दिया। हाँ जी तो भी खाएंगे सुकून से, और मैं भी खाना खा लूँ फिर बाद में अंदर बांधेंगे बस। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और रिजवाना बर्तन धोने आ गई हो? बर्तन धोने नहीं, हाथ धोने आई। ये बर्तन कौन रख गया? ज़किया वो आटा है ना। अच्छा अच्छा यानी कि आटा सूखे ना। हाँ जी। अच्छा चलो आ जाओ, साग को तिड़का लगा लिया? हाँ जी लगा लिया। चलो सही है खाते हैं फिर। मैं तो कहता हूँ अंदर जाकर खाएंगे, या फिर किचन में जगह बनती है तो किचन में बैठते हैं। बन जाएगी किचन में? बन जाएगी। हाँ जी बच्चे भी खा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें इन्होंने भी अपना साग बनाया हुआ है कोले में। हाँ जी बच्चे हो साग कैसा बना हुआ है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहा आपने सेब? टेस्टी है? टेस्टी है। अच्छा अच्छा हाँ आपने खुद बनाया ना, मिर्चें भी अपने हिसाब से डाला है, धनिया भी डाला है। रखिए आपने अपना साग नहीं बनाया? नहीं नहीं मैं खा लिया। अच्छा आप ऐसे खाती हो? हाँ। क्यों? मैं मिर्चें ना सही करना। अच्छा समिया का और आपका रोटी है? पानी देना, पानी देना इनको। और आप लोगों ने तिड़का लगा लिया? सिहाना को तो किया, किसी ने दिया ही नहीं है रोटी। आपने नहीं खाई? पप्पा खाओगी? अच्छा पप्पा खा लेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। नजला है अपनी रोटी लेके आ रहे। मैंने कहा ये वो उस तरह की चौकी हो तो फिर इधर बैठ जाओ, ये लकड़ी इधर का देते हैं क्योंकि वो उधर बाहर सर्दी हो गई है। इधर ही खा लेते हैं, चौकी ले आओ। आपको दूं रोटी? चौकी ले आओ। अम्मी आ गई है। अम्मी इस्तेहाना कहते हैं मुझे पप्पा दो, वो ये नहीं खाना चाहते। रोना नहीं आया, पप्पा मिल जाएगा। आप पप्पा खाना। चलो हम रोटी खाएं। मुझे कुछ दिया तो नहीं है बैठने के लिए, मैं वो कह रहा हूँ। फिर आप मेरा ईट रख लेगी। चलो जी जिसने भी खाना है वो आ जाए। हाँ जी ये है साग और ये है रोटी, घी वाली नहीं है, घी वाली सुबह होती है। आप कहाँ बैठोगे? वहाँ बैठोगे। अच्छा अच्छा आ जाओ उधर से गुजर के आना। अम्मी थालियाँ भी ले आई है, दो दो उबालना है। अच्छा बच्चे तो उधर बैठ गए, आप पीछे हो जाओ यार। शाबाश जगह खाली कर दो ताकि अम्मी अपना काम करे। हाँ शाबाश है। फिर अम्मी ऐसे बैठेगी पैरों के बाल? पता नहीं चौकी दो, चौकी देना। लकड़ी का शेर आएगी, अम्मी को चौकी देना।
आप लोग चार, आप लोग चार पाई पर चले जाओ, आप लोग चले जाओ, नहीं हम इधर बैठ के खाएंगे। हम रोज इधर खाते हैं, आप तो चलो हेल्थ हो, इधर खा दो उस जगह पे बैठ जाओ। हाँ ये वाली लकड़ी इधर खा दो, लकड़ी ना उधर खा दो, रोटी देना, ले ता हाँ सेब को रोटी दो, थोड़ी थोड़ी रोटी खाएंगे, नहीं राज के खाएंगे, हम इतनी पकाई नहीं, खत्म हो गई रोटी। आप लोगों ने चार चार थोड़ी खानी है, जर्दा भी खाना है ना, जर्दा भी थोड़ा सा है, मुझे रोटी खाने दो पहले, फिर लट्टी उठा कर लूंगा, जर्दा मैं कम खाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा मैं लड़कियों की तरह हूँ। अच्छा लड़कियों की तरह हो, लड़कियां मीठा कम खाती हैं। इस त्याना के लिए अम्मी ने डाल दिया वो, लड़का हो लड़का, इधर इधर दिखाना सही मुझे अब कैसा बना है, बात तो लिखो आ लेना सबके, सही बैठ जाओ, रोटी है तो उनको दे दो सोबिया, वो कहती है बाहर जाती हूँ, बाहर बैठना है, इधर आके बैठना है, अच्छा उधर बैठ जाती, साथ में आग भी है, गर्म जगह भी है, क्योंकि अच्छा रोलो रोलो, चलो आप दे दो इसके अनक, हाँ शक्ल सोनी है, कमरान मसला सारे तो सोना है, सोना देखो मूड है, गाने हैं इधर गाने, मैं तो थोर हैं देखो, मेरे बनाई है, अभी हो जाएंगे, मेरे सब सोने हो है ना सभ्या, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, अपनी तारीफ भी नहीं सुनते, सारे सुनो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया, हाँ जी रोटी है, रोटी है, भूख लगी है हमें, दे दो सोबिया उधर है, एक रोटी अम्मी की रखी है, अम्मी रोटी इन्होंने बिल्कुल थोड़ी पकाई, आप बच्चों को भूख लगी है, अम्मी ने बोला ये काफी है, नहीं और रखी है दोपहर वाले तो वो दे दो, नहीं है सुबह अभी और पकानी है, पकानी है पकाओ जल्दी, जल्दी पकाओ वाला, नहीं एक किलो ज्यादा था वो तो बस चखने के लिए आएगा थोड़ा थोड़ा, तो आपको रोटी सही ज्यादा पकानी थी, डब्बू को भी डालनी है वो ना, शादियों पे भी हम गोश्त रोटी राज के खा के फिर ज्यादा चखे थे आते हैं, मैंने तो कहा पांच रोटी, अच्छा वह कहते बुज्जे बुज्जे नहीं दे रहा, अब टूट पड़े हैं जर्दे पे और आटा भी और गूंदने वाले हैं कि रोटी और पकाएंगे, क्योंकि खाली हो गया सब कुछ, सब कुछ खाली हो गया और अम्मी अब जर्दा बांट रही है, अम्मी मेरा हिस्सा भी दे दो, हाँ सोबिया भी खाएगी है ना सोबिया, आप ये सांप छुपा के रख दो और रोटी पकाएंगे, अभी इतना सा क्या करेंगे, ये दो रोटियां खा लेंगे, ये किसका है हमारा, अच्छा ये लो सोबिया ये हमारा है, हमारा जर्दा भी आ गया, जिस बहन भाई ने जर्दा खाना है वो आ जाए, क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने पकाने में, तो आप भी आ जाए मेरे हाथ के ना जर्दा के पका हुआ वो टेस्ट कर ले, हाँ जी सही बात है टेस्ट कर ले, अच्छा है, हाँ जी इस्तियाना ने टेस्ट किया है, इस्तियाना कैसा बना है, बहुत अच्छा, वाह तारीफ कर दी, इतनी काबिल है, हाँ लग रहा है जब इस्तियाना ने तारीफ कर दी, बच्चों ने अपने चम्मच भी उठा लिए, भाई मुझे तो दो एक, शुक्र है बच गया, एक मुझे दे दो, हाँ
ताकि मैं भी चम्मच के साथ खा लूं। हाथ से खाना ना सुन्नत होते है। हाँ सही बोला, माशाल्लाह। बिल्ले को खेत डाला करो। नहीं ये अब होने दो, नुकसान करते हैं। बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, उसका दिल कर रहा है मैं भी जर्दा खाऊं। उसको डालो ना, टेस्ट करा दूं उसको। वो एक साइड पे बैठा हुआ है। बिशी, ओए बिशी बिशी बिशी, नहीं देख रहा। हाँ जी अभी खा ले, मैं खा लूंगी सारा। खा लो और आटा ले आई हो जारा। अब पूरा पूरा गुंदा ये ना हो कि अब ज्यादा हो जाए। बिल्कुल, फिर देखें सोबिया काफी है। हाँ, बच्चे आप लोगों ने खाना है, आप लोगों ने खाना है और रोटी। हाँ नहीं खाऊंगा। आप नहीं खाओगे, थोड़ी देर बाद फिर बोलोगे मुझे भूख लगी है। फिर मैं ऐसा करूंगी, कॉलर में फिर साग बना, क्योंकि अभी दिन काफी खड़ा है ना। हाँ काफी है ये आटा। आपने भी खाना है? मैं भी खा लूंगा, एक रोटी मैं और खाऊंगा। ठीक है।